हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, उसके पीछे मूल रूप से पांच ही कारण हैं। किसी भी जातक को अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो ये पांच कारण ही मूल हैं। इन पांच कारणों को अगर आप सुधार लेंगे, आपका भाग्य साथ कल से ही देना शुरू कर देगा। और ये प्रयोग आप करेंगे तो इसके प्रयोग के प्रभाव 24 घंटे में आपको दिखाई देंगे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपसे जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, वर्तमान जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से गुजर रहे हैं, या कोई प्रश्न जिसका उत्तर आप चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस और शुल्क लागू है। सबसे पहला और मूल कारण है किसी भी जातक का भाग्य साथ नहीं देने की वजह से अपने इष्ट पर पूर्ण यकीन नहीं होना। बहुत से जातक कहते हैं पूर्ण अपने इष्ट पर यकीन उन्हें नहीं होता कि हाँ ठीक है विश्वास है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तो कोशिश करें अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास करने का, और वो प्रयोग ऐसा होता है कि एक गुरु मंत्र, एक इष्ट मंत्र, या आप अपने इष्ट पर नियमित रूप से मंत्रों का प्रयोग करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का प्रयोग करें। और कहीं भी धैर्य नहीं हारना है। अगर आप बेचैन हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको इष्ट पर यकीन नहीं है। आप अपने कर्मों पर यकीन रखें, अपने इष्ट पर यकीन रखें। तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म में जब आप इष्ट का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उन कर्मों में एक सकारात्मक सिद्धि भी आएगी और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरा कारण है भाग्य साथ नहीं देने का, एक मन में अज्ञात सा डर, जो डर हमेशा बना रहता है। आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा होना एक सामान्य परिस्थिति है, लेकिन बहुत से जातक उसे बहुत बड़े दर्जे पर लेते हैं और इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उस वजह से कई सारी परेशानियां, कई सारी तकलीफें जीवन में क्रिएट होती है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि कभी भी हालात कितने भी बुरे हों, इस तरह की नेगेटिविटी नहीं होना और अज्ञात डर को मन से निकालना है। तीसरा और मूल कारण है भाग्य का साथ नहीं देने की वजह से एक माइंड टोन नेगेटिव कर लेना। बस किसी भी चीज़ में उन्हें नेगेटिविटी को ही दर्श देखना, बहुत नेगेटिव हो जाना, या आसपास के वो लोग जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ग्रह जब तक आपका साथ नहीं देंगे, जब तक आप खुद पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रह तो आपको सब देना चाहते हैं, ग्रह तो आपकी लाइफ में एक सडन बदलाव चाहते हैं, और उनके लिए आपको दो कदम आगे बढ़ाना होगा, जो आपके भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, ओम नमः शिवाय।